الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم معزز السامعين الكرام واجب ان جاءهم کی تفسیر چل رہی ہے جس میں مفسرین نے ان کے شکوک و شبہات اور ان کے اعتراض و سوالات کے جوابات دیے ہیں اور ان کا اعتراض اور سوال یہ تھا کہ ہمیں تعجب ہے اس بات پر اور ہم حیرت میں ہیں اس بات پر کہ جو بھیجا دیا ہے جو آیا ہے وہ ہمارے ہی اندر سے ہمارے ہی طرح ہماری ہی جنس سے ہماری ہی طرح ایک بشر اور انسان ہے اور اس کے بدن کی اعضاء و جوارح جس طریقے سے ہمارے ہیں اس کے بھی ہیں تو ان اعتراضات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے والے پیغمبر کی اور اس ہادی اور رسول کی ان کمالات کو اور ان فضیلتوں کو اور ان اعزاز کو ان شرافتوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور اہل مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنے ساتھ پیغمبر کو خیال کرنا اور اپنے مطابق سمجھنا یہ تمہارا ایک غلط اور فاسد عقیدہ ہے اور یہ تمہارا خیال بالکل اغلط ہے بالکل فاسد ہے اس لیے کہ تمہارے بدن کی اعضاء اور جوارح میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرق ہے وہ کہاں اور تم کہاں
उसी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों की उंगली के मुतालिक बातें चल रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के कमालात और तसर्रुफात कि अल्लाह के रसूल सल्लम के हाथ के तसर्रुफात कितने हैं और अल्लाह के रसूल सल्लम की हाथ की पहुंच कहां तक है। सिर्फ हाथ का तस्कीरा है, हाथ में रहने वाली उंगलियों का तस्कीरा है कि शक्कुल कमर की दास्तान और शक्कुल कमर के मुतालिक अहले मक्का के ताज्जुब को दूर करने के लिए, उनके अंदर पैदा होने वाली हैरत अंगेज अंगराइयों की दूरी के लिए यह बयान किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। वो अजीबो ताज्जुब ना करो, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है वो गलत है। अरे सुनो, हमारे पैगंबर की दास्तान यह है। माजमुल कबीर को उठाकर लिख लीजिए, माजमुल कबीर में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के अंदर अल्लाह ने कितनी तासीर रखी है, इशारे में कितनी तासीर रखी है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है और दौरान सफर मदीना मुनव्वरा से सफर कर रहे हैं। दौरान सफर एक दिहाती मिल गया, एक गांवनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब बुलाया। माजमुल कबीर में लिखा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस दिहाती को, उस एराबी और गांवनिये को अपने करीब बुलाया और अपने करीब बुलाकर कहा, कहां जा रहे हो? उस एराबी ने, उस दिहाती ने कहा, हम हमारे घर की तरफ जा रहे हैं, हमारे घर की तरफ हमारा रवा दवा है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने घर जा रहे हो तो हमारी तरफ से एक खैर लेकर जाओ, एक खैर की बात लेकर जाओ। उस गांवरिये ने कहा, कौन सी बात ऐसी है जिसको आप खैर कहते हैं? वो खैर की बात हमें सुना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله। ये जुमला कहो, तशहद अल्लाह, इसलिए कि वो हाजिर था इसलिए कहा तशहद अल्लाह, कह के तू गवाही दे इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, वो अकेला है, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई भागीदार नहीं, और कह कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वो गावड़िया कहने लगा, वो अराबी कहने लगा, क्यों ये कहलवाते हो, क्यों कहलवाते हो? और अगर मैं कह भी दूं और ये गवाही दे भी दूं और ये शहादत दे भी दूं, तो इस शहादत का कौन गवाह होगा? ये शहादत मैं दूं, उसकी गवाही कौन देगा? तो अल्लाह के रसूल सासन ने फरमाया, तू गवाही देगा कि नहीं, तू ये जुमला कहेगा कि नहीं? कहा, लेकिन मेरे इस जुमले पर गवाह कौन? तो अल्लाह के रसूल सासन ने अपनी नजरें उठाई, फरमाया, दूर एक मैदान था और उस मैदान के, उस वादी के किनारे पर एक दरख्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी से, उस गांवनिये से कहा, वो जो दरख्त है वो तेरी शहादत की शहादत देगा। वो देहाती कहने लगा, एक बेजान चीज और कई दूरी पर है, कितने फासले पर है, मैं जानदार, मैं इंसान, मैं बोलने वाला एक नातिक, एक हैवान नातिक, मैं बोलूं और वो बेजान है, अरे वो क्या समझे, वो क्या जाने, वो क्या बोले, और इतनी दूरी पर गवाही कैसे देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू देख इस मंजर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की तरफ उंगली का इशारा किया, उस उंगली का इशारा करना था, वो दरख्त जमीन चीरता हुआ करीब आ गया और करीब आकर तीन मर्तबा कहता है, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा बेजान दरख्त के अंदर से आवाज आई, बेजान दरख्त बोलने लगा, अल्लाह ने कुव्वत गोलाई दी, वही कलिमे, वही जुमले, वही अल्फाज जो नबी ने उस एराबी को, उस गावनिये को भी कहे थे, वही अल्फाज तीन मर्तबा कह रहा है। ये कहकर वो वापस होने लगा, जमीन चीरता हुआ अपनी मंजिल पर, अपनी जगह पर, दूरी पर, फासले पर जाकर जैसा था वैसा हो गया। वो एराबी इस मंजर को देखकर और इस करिश्मे को देखकर एकदम आपदीदा हो गया,
आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा क्या कहने तू कौन है, कह दे मैं ही हूँ जो तुझे कलमा पढ़ा रहा हूँ, मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं ही अब्दुहू व रसूलुहू पढ़ा रहा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा भी अल्लाह का रसूल भी अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का नबी हूँ, तू कलमा पढ़ दे। देख लिया हमने उंगली का इशारा किया, इशारे पर दरख्त आ गया है, बेजान चीजों ने हमारी नबूवत की शहादत दी, वाहिद की वादानियत की गवाही दी, अब तू भी कह दे। वो कहने लगा पढ़ा दे, पढ़ ले तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो दरख्तों का भी माबूद, जो इंसानों का भी माबूद, जो बेजान दरख्त को भी जमीन फाड़ कर जमीन चीर कर करीब कर दे वही इबादत के लायक हो सकता है। और मैं गवाही इस बात भी देता हूँ वह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, आप बंदे भी आप रसूल भी, आपकी शहादत देता हूँ रिसालत की। या रसूल अल्लाह अब तलक तो पहचानता ना था, अब कहने लगा या रसूल अल्लाह मौजमुल कबीर में लिखा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए ना घर जाऊं कबीले वाले को कुंबे वाले को और खानदान वालों को बस्ती वालों को यही कलीमा बताऊं, यही जुमले उनको भी सुनाऊं, अगर वो मान जाए तो उनको लेकर आपके पास आकर सबको कलमा पढ़ाऊंगा, अगर वो न माने तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वादा करता हूँ मैं अकेला तो जरूर आऊंगा और आकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कलमा पढ़ा है आपका आपका उम्मती बनकर रहूंगा। वाजिबू अंजाहुम मुंदिरुम मिन्हुम, एक उनके पास आया उन्हीं में से डराने वाला, पहला डराने वाला फिर बशारत देने वाला। लोग कहते हैं डरानी बक्की बातें मत किया करो, अरे अल्लाह ने नबी को पहला मंजिर बनाया है फिर मुबशिर बनाया है, कौम को डराओ, अरे बशारतों को नहीं मानते, बशारतों से काम नहीं चलता, उनको नजीर बनो, उनको अल्लाह की अजाब बताओ, अल्लाह की पकड़ बताओ, अल्लाह का इताब बताओ, अल्लाह की तरफ से आने वाले गजबनाक हालात का तस्किरा करो कि अल्लाह फिर जब रुट जाता है तो फिर कैसा करता है, महंगाई इतनी बढ़ा देता है कि 300 रुपये लीटर दूध श्रीलंका में भी मिल रहा है, श्रीलंका के अभी के हालात 300 रुपये लीटर दूध, 500 रुपये चावल है, 500 रुपये एक किलो चावल, कहाँ जाओगे, जब वो रूठ जाता है ना तो महंगाई इतनी बढ़ा देता है कि महंगाई को सुनकर इंसान आग बगोला हो जाता है कि अल्लाह अगर बशारत से नहीं समझते हैं लोग तो अल्लाह मुंजिर बनाता है। फरमाया अंजाहुम मुंदिरुम मिन्हुम कि आया उन्हीं में से डराने वाला, कि अल्लाह की नेमतों में पढ़कर इतने बागी मत बन जाओ, इतनी सरकशियों पर मत उतर आओ कि पैदा करने वाले ही को भूल जाओ, उसकी वहदानियत का इनकार कर दो, रसूल की रिसालत के मुनकिर बन जाओ, इतना ना करो। देखो एक देहाती उंगली का इशारा देखता है, तुमने नहीं देखा, ताज्जुब करते हो और कहते हो उसके हाथ भी हमारे हाथ की तरह है, अरे उसके हाथ का कमाल तो ये है कि बेजान दरख्त को इशारा करे तो वो आ जाए चीरता हुआ आ जाए। फिर आगे एक और मिसाल देकर फरमाया कि तुम्हारे हाथों में उनके हाथों में ये फर्क है, तुम्हारा एतराज ये है कि उसके हाथ हमारे हाथ की तरह है, तो उसके हाथ का कमाल तो ये है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, साहिब तिबियानुल कुरान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदैबिया का मौका है और हुदैबिया के मौके पर अरबस्तान की जमीन रेतीली हुआ करती है, पथरीली हुआ करती है, और ऐसी रेतीली जमीन में पथरीली जमीन में पानी बहुत कम मिलता है बल्कि नायाब होता है, पानी ही नहीं मिला करता, अगर कहीं झील में कहीं नदी तालाब में और कहीं बारिश का पानी जमा हो गया है तो लोग उसके इर्द गिर्द उसके किनारों पर बसेरे डाल दिया करते हैं और वहीं रहने लगते हैं, लेकिन जब सफर करना
करना होता है तो सफर करने के वक्त पानी साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन अगर लंबा सफर है, पानी बीच रास्ते में पूरा हो गया, खत्म हो गया, तो अब पानी मिलना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, अशक्य है, पानी मिल ही नहीं सकता। कि अगर लंबे सफर पर गए हैं, रेगिस्तानी इलाका है और रेतीली जमीन है, पथरीली जमीन है, पानी नहीं मिलता है, साथ में पानी लिए थे और पानी पीते पीते पानी खत्म हो गया, सफर पूरा नहीं हुआ, अब पानी नहीं मिलता है। वही बात हुदैबिया के मौके पर पेश आई और 1500 सहाबा का लश्कर है, 1500 सहाबा है और हुदैबिया के उस काम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी के पास आकर गुजारिश करते हैं, आर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके पास पानी खत्म हो गया, सबके बर्तनों में एक कतरा भी पानी नहीं है, यहां तक के बर्तन छांट लिए हैं, पानी नहीं है, एक कतरा भी पानी नहीं है, सिर्फ आपके बर्तन में पानी है, आपके बर्तन के सिवा किसी के पास पानी नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपके बर्तन का थोड़ा सा पानी और इतना बड़ा लश्कर है, इतनी बड़ी काफिले को इतना पानी कैसे काफी हो सकता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न कहा, सुकूत फरमाया और फिर थोड़ी देर के बाद अपने उस बर्तन में, जिस बर्तन में थोड़ा सा पानी था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक अंदर रख दिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी ने अंदर हाथ रखा, पांचों उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी हो गए, पानी के फव्वारे चालू हो गए, बर्तन लबालब भर गया, सारा ने सराब होकर पानी पिया, 1500 सहाबा ने पानी पेट भरकर पिया, अपनी तहारत भी हासिल की और तहारत हासिल करने के बाद जिसके पास जितने बर्तन थे, मशकीजे थे, जिसके पास जो भी था उसको भर लिया, फिर भी पानी है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला से पूछा गया, ये 1500 आदमियों को काफी हो गया? फरमाया, अगर 1,00,000 आदमी भी होते तो नबी के हाथों का करिश्मा ये था, उंगलियों का करिश्मा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 को भी पानी मयसर हो जाता, पानी 1,00,000 को भी काफी हो जाता। रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी का नामो निशान नहीं है, पानी के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तड़पते हैं, लेकिन उंगलियों का करिश्मा है कि हजरत जाबिर फरमाते हैं 1,00,000 इंसान भी उससे फायदा उठा लेते। नबी की उंगलियों की तासीर यह है। तुम ताज्जुब करते हो, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि हमारी तरह शक्ल सूरत वाला, हमारी तरह सूरत रखने वाला, हमारी तरह बदन रखने वाला, हमारी तरह जिस्म रखने वाला, हमारी तरह आदाज हमारों को रखने वाला, ये हमारा पैगंबर कैसे हो सकता है, हमारा हादी कैसे हो सकता है, हमारा रहबर कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, इसलिए कि और निराला है। अरे ऐसा ना कोई आया है, ना कोई आ सकता है। अरे उसके करिश्मे और उसकी तरफ से होने वाले खिलाफ अकल वाकियात ऐसे हैं कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो पैगंबर खुदा है, वो रसूल इलाह है, वो अल्लाह का पैगंबर है। तुम्हारी अकलों को तस्लीम करना पड़ेगा। तुम कहते हो पहाड़ों की बुलंदियों से कूद पड़ेंगे और समंदरों के अंदर गोते लगाकर जान दे देंगे, लेकिन मोहम्मद की नबूवत को तस्लीम न करेंगे, उसकी रिसालत को तस्लीम न करेंगे। अरे वो तो गरीब आदमी है, उसके पास हशम खत्म नहीं है। अरे तुम्हारा ये सवाल है, लेकिन उसको बनाया ही ऐसा है कि उसकी नबुवत को तुम्हें तस्लीम करना होगा। आओ तुम्हें बताए, वाजिबू तुम्हें ताज्जुब है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कौन कहता है? कुरान कहता है। कौन कहता है? नबी के वाकियात कहते हैं, नबी के करिश्मे बताते हैं कि मान जाओ, ताज्जुब को छोड़ दो। अगर कुरान की तफसीर सुनने वालों में से भी अगर किसी को ताज्जुब होता है इन वाकियात पर, तो अपने ख्यालात को दुरुस्त करें। हुआ है, अल्लाह ने किया है और अल्लाह करता है, नबी के हाथों से करवाया है और नबी के मौजीजे हुए हैं। अरे डूबा हुआ सूरज वापस आया है। खैबर का सफर है और खैबर के सफर में
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम है जिसको सबहा कहा जाता है, सबहा नामी मकाम में कयाम फरमाया, जोहर का वक्त हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से वक्त जोहर हुआ है, नमाज जोहर पढ़ी जाएगी, सलात जोहर पढ़ी जाएगी, ओ मुसलमानों माफ कीजिएगा, रमजान में यह अहमियत है कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोजा अल्लाह का हुक्म है, तो हर काम को छोड़कर नमाज पढ़ना आसान हो गया। गैर रमजान में भी अगर नियत हो कि मेरे रब का हुक्म है तो वो हर हाल में नमाज पढ़ेगा। अरे रमजान में लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ानी पड़ती है कि बाहर तक सफे हैं, क्यों? इसलिए कि मुसल्ली लोग आए हैं, नमाजी लोग आए हैं, ईमान वाले आए हैं, साइमीन आए हैं। अरे वही कलमा पढ़ने वाले, वही अल्लाह पर ईमान रखने वाले, वही रसूल की रिसालत का इकरार करने वाले, अरे उनके ऊपर रमजान के बाद भी 5 नमाज फर्ज है, फिर क्यों नहीं आते? अरे इरादे हो, अज़्म मुसम्मम हो, नीयत हो, तो फिर अल्लाह हिदायतों के रास्ते खोलते हैं। जो अल्लाह रमजान में अपने घर में बुलाता है, नीयत और अज़्म पर अल्लाह रमजान के बाद भी अपने घर पर बुलाता है, लेकिन अज़्म ही ना हो, बेतलब बन जाए, बेगरज बन जाए, तो उसको तो किसी की जरूरत नहीं है, वो तो खाली घर भी देख लेगा। अरे बिगड़ जाएगी तो मेरी उकबा बिगड़ जाएगी, नमाज ना पढ़ूंगा मेरे घर में बेबरकती आएगी, मेरी रोजी से बरकत जाएगी, खेतियां नहीं पकाएगी, मेहनत कितनी भी कर लो खेतियां नहीं पकाएगी। जिन खेतों में गुज़िश्ता साल 7-7 लाख रुपए का पका हो, उस खेत में 50,000 की भी फसल ना हो, ये क्या है? ये नमाज छोड़ने की नहुसत है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की नहुसत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के उस अजीम मारके में जा रहे हैं, उस अजीम सफर में जा रहे है, जहर का वक्त हो रहा है, फरमाया मेरे सहाबा जहर का वक्त है, नमाज पढ़ना है। मस्जिद नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, पंखे नहीं है, मैं तो 5-10 मिनट मस्जिद में आऊं तो एसी के बगैर ना रह सकूं, पंखे के बगैर ना रह सकूं, और वहां आसमान की छत है, जमीन का फर्श है, कोई चटाई नहीं है, कोई फर्श नहीं है, ये जमीन की कंकरेली पथारी है, कंकरेली सफ है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सफे बनाओ, मुसल्ले पर खड़े हो, आगे खड़े हो गए, नमाज पढ़ाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे नमाज पढ़ेंगे सहाबा। नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, अली इधर आओ, अली को काम से भेजा, और काम के लिए अली गए हुए हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया असर का अव्वल वक्त हो गया है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद हमें आगे जाना है, इसलिए अव्वल वक्त में असर की नमाज पढ़नी है। हजरत अली अभी नहीं आए हैं, अव्वल वक्त हुआ, असर की नमाज अदा कर ली गई, नमाज अदा करने के बाद हर एक अपने अपने काम में लगा हुआ है, हजरत अली आए, हजरत अली को पता नहीं है कि असर की नमाज पढ़ ली है, वो तो समझते अभी तो अव्वल वक्त हुआ था, अभी नमाज बाकी होगी, नमाज नहीं पढ़ी है। हजरत अली अल्लाह के रसूल सासन की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह के रसूल सासन के पास जाकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ये पथरीली जमीन है, इस पथरीली जमीन में आप कहां आराम फरमाएंगे? हमारी रान पर अपना सर रख दीजिए। दामाद कह रहा है अपने खुसर से, अपने सुसर से कह रहा है हमारी रान पर अपना सर मुबारक रख दीजिए ताकि आपको आराम मिल जाए। हजरत अली ने अपनी रान आगे कर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सर रखा और सर रखकर आराम फरमाने लगे, और जब सर रखा, अली की कुर्बानियों वाली रान है, कुर्बानी देकर आए हैं, अल्लाह के रसूल का काम करके आए हैं, और जैसे ही सर रखा आंख लग गई, थके हुए हैं, सफर किया हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी तो ऐसा सोए कि सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद एकदम आंख खुली, आंख खुलते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पहला जुमला, अली नमाज पढ़ी?
अली असर की नमाज पढ़ी इसलिए कि जब हमने जमात की उस वक्त तो आप नहीं थे, आपकी नमाज बाकी थी, क्या आपने नमाज पढ़ी है? हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह हमें तो मालूम ही नहीं था कि असर की जमात हो चुकी है और हम नमाज पढ़ने से बाकी रह गए इसलिए कि आप आराम फरमा रहे थे, इसलिए हमने हरकत करना मुनासिब न समझा। अगर मैं इधर उधर होता आपकी नींद बिगड़ जाती इसलिए हमने हरकत न की, हमारी असर की नमाज बाकी है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु तआला फरमाती है मैंने मेरी आंखों से देखा सूरज गुरूब हो गया था, अंधेरा हो गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाने के बाद उंगली का इशारा करके फरमाया ऐ अल्लाह सूरज को वापस ला दे, अली की नमाज असर बाकी है। तेरे और मेरे काम में, तेरे और तेरे रसूल के काम में अली मशगूल था, दुनिया का काम नहीं था। तेरे और मेरे काम में अली मशगूल था, उसकी वजह से उसकी असर की नमाज रह गई है। कजा कर सकता है लेकिन तेरा नबी चाहता है कि सूरज को वापस ला दे ताकि अली की असर की नमाज कजा ना हो। अल्लाह की कसम हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती है पहाड़ों से और जमीन की ऊंची ऊंची जगहों से नजर आया कि वो ऊपर से निकला, पहाड़ से भी ऊपर सूरज आया और गुरूब हो गया हुआ सूरज तुलू हुआ वापस आया और हजरत अली ने असर की नमाज अदा की और अदा करने के बाद फिर सूरज गुरूब हुआ है। जिस नबी की उंगली में, जिस नबी की जबान में यह तासीर हो कि दुआ करे इशारा करे तो गुरूब हुआ सूरज भी वापस आ जाए, उस नबी के बारे में ताज्जुब करते हो। वह अजीबू अंजाम अबे तुम्हें ताज्जुब है इस बात पर कि उसने इशारा किया और चांद वापस सूरज वापस आ गया। ये वो पैगंबर है जो तुम्हारे सामने अल्लाह की निशान अल्लाह की निशानियां बयान करता है, अल्लाह की वहदानियत बयान करता है, उसके बारे में ताज्जुब ना करो और उसकी बात को मान लो। उसी को समझा रहे हैं वाजिब अंजाहुम मुंदिरुन मिनहुम वकाल काफिरून। जब सारे करिश्मे देख लिए, सारे अजूबे देखे, नबी की नबूवत को मानने के बजाय, तस्लीम करने के बजाय, शक्ल कमर देखने के बाद, अरे मेराज वाली रात की सारी दास्तान सुनने के बाद, खिड़कियों की, खंभों की, सुतूनों की सारी तादाद बता देने के बाद अकल ये कहती है तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए। लेकिन वो कौल काफिरून, लेकिन काफिर कहने लगे, नाफरमान कहने लगे, बागी कहने लगे, जिनकी खोपड़ियों में सरकशी भरी हुई थी, गुरूर भरा हुआ था, मुखालफत भरी हुई थी, उन लोगों ने कहा हाजा साहिरुन कज्जाब, ये तो जादूगर है, शक्कुल कमर का जादूगर, अरे मेराज वाली रात का जादूगरी करता है, कौन है जो इतना लंबा सफर मिनटों में, सलवतों में, पल झपकने में इतना बड़ा सफर जमीन का आसमान का कर किया है, अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन मानना होगा, तस्लीम करना होगा। साहिरुन कज्जाब, सहर भी दिखाता है, दास्तान सुनाता है, उसमें झूठा है, झूठ बोलता है, मत मानो उसकी बात को, नबी की रिसालत के इनकार के बाद ये लोग तो तौहीद का भी इनकार करने लगे। उसका तस्किरा अल्लाह आगे कर रहा है अजाल आलिहत इलाहा वाहिदा इन हाजा लशयउन उजाब, क्या इसने तो बहुत सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया, अजाल आलिहत इलाहा वाहिदा, बहुत सारे माबूदों को उसने तो एक माबूद बना दिया, इन हाजा लशयउन उजाब, ये तो ताज्जुब खेज बात है, ये तो हैरत अंगेज बात है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे माबूदों से काम नहीं बनते, इतना सारा काम अकेला कैसे अंजाम दे सकता है। इसलिए उन्होंने तौहीद का भी इनकार किया, अजअल आलिहत इलाहा वाहिदा। उसके बारे में मुफस्सरीन बयान फरमाते हैं
जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सालबा रहमतुल्लाही अलैह वो बयान फरमाते हैं कि जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम गलबा पा रहा है, इस्लाम तरक्की पजीर है, इस्लाम की प्रगति हो रही है और मुसलमान काबा के इर्द गिर्द बैठने लगे, अब तलक तो काबा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी, अब तो वो काबा की आजू बाजू इर्द गिर्द भी बैठने लगे हैं, इसलिए अब उनके हौसले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें चौकन्ना होना चाहिए, अब वो कब्जा कर लेंगे, धीरे धीरे करीब आए हैं और करीब आकर वो अंदर आएंगे और फिर हमें अंदर से बाहर कर देंगे, इसलिए इनको रोकना चाहिए। उनके हाथों के टूटे टूट गए, उनके हाथों के उड़ गए और उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो सारे इकट्ठा हुए और अहले कुरैश ने इकट्ठा होकर, अहले मक्का ने इकट्ठा होकर ये तय किया और ये बात बयान की कि हमें अबू तालिब के पास जाना है और अबू तालिब के पास जाकर हमें इसके भतीजी के मुतालिक बात करना है। वो सारे के सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए और अबू तालिब के पास आकर वो कहने लगे कि आप हमारे शरीफ हो और आप हमसे अफजल हो। ये बात करने का सलीका है, अबू तालिब की तारीफ की, अबू तालिब का वखार किया और कहा आप हमारे हम में अफजल हो, आप हमारे शरीफ हो और आपको मालूम है कि अहमक और बेवकूफ जवान लोग जो आपके भतीजे की बात में आकर अपने माबूदों की इबादत छोड़ दी है और ये लोग हमारे ऊपर भी तानो तशनी करने लगे। हम बड़े लोगों की नौजवान तशनी तानो तशनी करते हैं और हमारी तरफ उंगलियां उठाते हैं और हमें कहते हैं बाप दादा के दीन को छोड़ो, अरे बाप दादा की रस्म रिवाज को छोड़ो, जैसा कि आज भी चलता है, पहले की रस्म रिवाज चल रही है। अब उनको सच बताते तो कहते कहते हूं ठीक है क्या था अब पहले की चाल के आयु वो कभी नवा मसला है कि खत्म बंद करो, खत्म कुरान खुद पढ़ लो, उसके लिए सबको जमा न करो, जायज नहीं है। अरे पूरा मोहल्ला भर देते हैं, कुर्सियां ही कुर्सियां और कितने लोग, कोई पढ़ता नहीं, सब पूरी दुनिया की बातें करने जमा होते हैं और फिर ईरान तुरान की बातें करते हैं। अल्लाह की कसम ये जायज नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं मोल साहब आते पल्ले थी चाइल्ड कही बंद थवान होते। ये मुशरिकीन मक्का भी ऐसा ही कहते थे कि ये पहले से चला आ रहा है और हम पहले से इतने सारे माबूदों की पूजा कर रहे हैं, इनकी इबादत कर रहे हैं और ये कहता है कि एक अल्लाह करता है, ये हमारी समझ में नहीं आता। ये नौजवान जो तुम्हारे भतीजे की बात में आ गए हैं और उनकी बात में आकर ये अब हमें कह रहे हैं और हमारी ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हमें तानो तशनी करते हैं, इसलिए हम तो आए हैं कि आप अपने भतीजे को रोक दें, बल्कि ये नहीं, हम तो हमारे साथ कुरैश का हसीन और जमील लड़का, हसीन और जमील लड़का वलीद बिन मुगल्ला का बेटा जिसको अम्मारा कहते, सुनो बड़ी ध्यान से, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सालबा क्या कहते हैं, वो अहले मक्का अबू तालिब से कह रहे हैं हम आपके पास वलीद बिन मुगल्ला का सबसे हसीन और जमील, पूरे कबीले में खानदान में इतना खूबसूरत बच्चा कोई नहीं है, ऐसा बच्चा तुम्हारे पास लेकर आए हैं और उसका नसब भी बहुत उमदा नसब का है, बहुत उमदा खानदान का है, वलीद बिन मुगल्ला का बेटा है, अम्मारा उसका नाम है, इसको हम लेकर आए हैं, इसको हम तुम्हारे हवाले करते हैं, इसको आप अपने पास रख लो, इससे मदद लो, ये आपकी मिलकत का वारिस बनेगा। अरे अबू तालिब को बच्चों की कमी थोड़ी थी, वो तो कितने बच्चों के बाप थे, कह रहे हैं कि इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारी खिदमत करेगा और तुम्हारा वारिस बनेगा और तुम मोहम्मद को अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो ताकि हम मोहम्मद को कत्ल कर दें, नाउज़ बिल्ला। ये स्कीम बनाकर अबू तालिब के पास आए, अबू तालिब ने कसम खाई और कसम अंदर लिखी है अल्लाह की कसम,
वो ऊपर वाले को मानते तो थे कि ऊपर वाला है, लेकिन उसकी इबादत नहीं करना है, वो सब कुछ करता है ये नहीं, उसके भागीदार दूसरे हैं, ये तस्लीम करते हैं, वरना वो अकेला वहदहू ला शरीक, ये हम नहीं तस्लीम करते। तो अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने बहुत नाइंसाफी की बात कही है, तुम ये फैसला करते हो मेरे उस भतीजे के बारे में जिस भतीजे के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, अगरचे मैंने उसका कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे इतना प्यारा है, मैंने अपनी औलाद से ज्यादा उससे प्यार किया है, मैंने अपनी औलाद को दस्तरखान पर बिठाकर खिलाया है, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, जो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उसको मैंने अपनी रान पर बिठाकर, गोद में बिठाकर खिलाया है, और मैंने अपने हाथों से निवाले दिए हैं, अरे जिसको मैंने इतने प्यार से पाला हो, अरे जिसकी जुदाई हमारे लिए शाक हो, अगर वो चंद मिनटे हमसे हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो हम बेकरार हो जाते हैं, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम ये कहते हो कि हमारे हवाले कर दो, हम उसको कत्ल कर दें, अरे जब तुम हमें शरीफ कहते हो, जब तुम हमें बाइज्जत कहते हो, जब तुम हमें अपना शेख मानते हो और अपना बड़ा ताजीम करते हो, तो बड़े के सामने ये अल्फाज नाइंसाफी के, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भतीजे की गर्दन उड़ाने की बातें करते हो, अरे हमारा और मेरे मोहम्मद में क्या, तुम क्या मुनासिबत समझते हो, अरे तुम उसको हसीन कहते हो, तुम इसको जमील कहते हो, मेरा मोहम्मद मेरा भतीजा इतना हसीन है, इतना हसीन है, तो जो भी उसकी तरफ देखता है देखता ही रह जाता है, अरे जितना देखता है खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है, मेरा मोहम्मद तो मलीह है, देखते जाओ भाते जाए, देखते जाओ उभरता जाए, देखते जाओ चमकता जाए, देखते जाओ रोशन होता जाए, देखते जाओ नूर भरता रहे, अरे तुम्हें उसके साथ तशबीह देते हो, ये अम्मारा और मेरा मोहम्मद नहीं हो सकता है, आए क्यों हो ये बता दो, मोहम्मद के कत्ल की बातें करते हो क्यों आए हो, तो कहा चलो इतना खफा होने की जरूरत नहीं है, चलो मोहम्मद को नहीं देना है, अम्मारा को नहीं लेना है तो छोड़ो बात, लेकिन मोहम्मद को बुलाओ, हम मोहम्मद से इंसाफ की बात करना चाहते हैं। तो अबू तालिब कह रहे हैं ये बात ठीक है, अगर इंसाफ के लिए आए हो, इंसाफ की बात करने आए हो, तो इंसाफ से बात करो, ऐसी बातें ना करो जिससे अंदर का कलेजा फट जाए, जिससे दिमाग की रगें फूल जाए, ऐसी बातें ना करो, जाओ मेरे भतीजे को बुलाओ, अल्लाह के रसूल आश्रम को बुलाया गया, अल्लाह के रसूल आश्रम करीब आए, अपने चचा के चेहरे को देखा, अपने चचा की पजमुर्दगी को देखा, अम्मी क्या हुआ है, अम्मी ओ मेरे चचा, या अम्मी ओ मेरे चचा क्या हुआ, चेहरे पर पजमुर्दगी क्यों है, क्यों इतने खफा हो, फरमाया कुछ नहीं बेटे, ये लोग आए हैं, ये तेरी कौम के लोग हैं, ये तेरी कौम के लोग हैं, लिखा अंदर ये तेरी कौम के लोग हैं और वो तुझसे इंसाफ की बात करने आए हैं, सुन क्या कहते हैं, वो इंसाफ करने आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की तरफ देखकर पूछा, बोलो क्या इंसाफ की बात लेकर आए हो, क्या इंसाफ करना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अहले मक्का कह रहे हैं, हम इंसाफ की बात ये करने आए हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि हम तुम्हारे खुदा को और तुमको परेशान करना छोड़ दें, तुम हमें और हमारे माबूदों को परेशान करना छोड़ दो। अल्लाह के रसूल शासन ने फरमाया हम कहां परेशान करते हैं, हम तो परेशानियों से निकालना चाहते हैं, अरे तुम परेशान हो, हम परेशानियों से निकालना चाहते हैं, परेशान नहीं करते, हम तो इंसानियत परेशान है, इंसानियत उलझी हुई है, इंसानियत अस्बाबों में फंसी हुई है, इंसानियत दर दर की ठोकरें खा रही है, इंसानियत मखलूक की पुजारी बन गई है, इंसानियत अपने हाथों की बत्ती बनी हुई चीजों की परस्तार बन गई है, अरे ये परेशानियों से निकालने के लिए हम तो आए हैं, हम तुम्हें परेशान नहीं करते, हम तुम्हारे माबूदों को भी परेशान नहीं करते, वो माबूद है ही नहीं जो न देख सके न सुन सके न हाजत पूरी कर सके, वो कैसे बाबूद हो सकते हैं, हम तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम हमें परेशान करते हो, तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम ताज्जुब करते हो,
बोलो क्या कहना चाहते हो? बस यही कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक जुमला कहता हूं, एक जुमला उसको कह लो, मान लो तो तुम्हारे लिए अजम तुम्हारे तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, अजम के तुम मालिक बन जाओगे, अरब तुम्हारा सरनिगू हो जाएगा। जो पहले सुनाया था ना वैसे ही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर अबू जहल एकदम बोला कि अगर ऐसा ही है तो हम 10 बातें मानने और पढ़ने के लिए तैयार है। बोलो क्या कहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना कह दो, इतना पढ़ लो, इतना मान लो, एक है। तो सारे खड़े हो गए, अबू जहल भी खड़ा हो गया और जितने भी आए थे सारे खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, अजअल आलिहा इलाहा वाहिदा, क्या इसने तो सारे माबूदों को एक बना दिया और इतने सारे माबूद हमारे बाप दादा, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे पहले, हमारे गुजरे हुए कितने माबूदों की इबादत करते थे और उन माबूदों के चढ़ावे चढ़ाते थे और उनके सामने अपनी हाजत और जरूरतें रखते थे, नजो नियाज करते थे, अपनी नजो नियाज अपने माबूदों के सामने पेश करते थे, अपनी हाजतें अपने मुख्तलिफ माबूदों के सामने रखते थे और मुख्तलिफ माबूद मुख्तलिफ हाजतें पूरी करते थे। इतने सारे माबूदों का काम एक माबूद कैसे कर सकता है? जब इतने सारे माबूद इतने सारे काम नहीं कर सकते थे तो एक अकेला कैसे कर सकता है? इन्ना हाजा लशयउन उजार, ये बात तो ताज्जुब केज मालूम होती है, मोहम्मद की ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है, बड़ी निराली मालूम होती है, समझ में नहीं आती, अकल तस्लीम नहीं करती। ये एक रिवायत। साहिब तिबियानुल कुरान ने एक और रिवायत बयान फरमाई कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला इस्लाम लाए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा तो फरमाया, कुरैश के ऊपर अहले मक्का के ऊपर बहुत दुश्वार घड़ी गुजरी कि उमर जैसा इस्लाम में दाखिल हो गया उनकी तो कमर ही टूट गई, इसलिए कि उमर के ऊपर उनको बहुत नाज था और वो समझते थे उमर जैसा हमारे साथ है वहां तक हमें किसी का डर नहीं है, इसलिए कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकत वाला है, बहुत शुजा और बहादुर है, इसलिए अहले मक्का को उमर के ऊपर बहुत नाज था। इसलिए तो फरमाया कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगा सके, उंगली कर सके, देख सके, कैरी आंखों से देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। इसलिए मशवरा किया और सब जमा हुए, मोहम्मद के बारे में क्या करें। बाजों का होता है एक ऐसा रौब होता है और एक कुदरती तौर पर एक रौब होता है और एक जबरदस्ती का रौब होता है। यह कुदरती रौब था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि नबी के पास जाकर कोई ऐसी बात कर सके। सब कह रहे हैं कौन करेगा, क्या कैसे करेगा, सब सिर्फ मशवरे कर रहे हैं, सब सिर्फ चामी गोइयां कर रहे हैं, एक दूसरे की कानपुसी कर रहे हैं। अबू जहल जैसा भी हिम्मत नहीं कर सकता था, सिर्फ कानपुसी कर सकता था, तू कर तू कर तू कर तू कर, ये एक दूसरे की कानपुसी करते थे। उमर कहता है, कब तक कानपुसियां करोगे, कब तक सरगोशियां करोगे, कब तक ऐसा करते रहोगे? ये उमर खत्ताब का बेटा आज जाएगा और फैसला कुन बात करके आएगा। आज या तो मोहम्मद रहेगा या उमर खत्ताब का बेटा रहेगा। आज ये नंगी तलवार लेकर जाता है वो हमेशा के लिए मक्का वालों की ये कानपुसियां बंद कर देता है, ये सरगोशियां ही बंद कर देता है, मैं जाता हूं और ये काम करके आता है। तो सारे कहने लगे एक जबान, कानपुसियां करने वाले सरगोशियां करने वाले कहने लगे, हमें यकीन था कि ये काम उमर के सिवा कोई नहीं कर सकता, खत्ताब के के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये उमर इब्ने खत्ताब जब इस्लाम में दाखिल हुए गए थे उनका उनका नसीबा लेने के लिए और गए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए, और वहां जाकर जब इस्लाम कबूल कर लिया और सबसे पहला इस्लाम का नारा लगा, नारे तकबीर लगा,
होगी है। और उमर के इस्लाम लाने पर और उमर इस्लाम में दाखिल हो गया, अहले मक्का को जो इंतजार कर रहे थे, कानपुशियां करने वाले इंतजार कर रहे थे, अभी खबर आएगी मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, कानों में खबर आई मोहम्मद का गुलाम बन गया, उमर तो मोहम्मद का गुलाम बन गया है, ये खबर सुनी। लिखा मुफस्सिरीन ने, इस खबर पर उनके पांव के नीचे से जमीन सड़क गई और ऐसा लगता था जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, इतनी शौक और बोझ गड़ी थी और मुसलमानों की खुशियों की इंतहा न थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मुसलमान बहुत खुश थे और मुसलमानों की खुशी की लहर दौड़ रही थी। मुसलमान इस सोच में थे अगर उमर इस्लाम कबूल कर लेता है तो हमारी कमजोरियां ताकत ने बदल सकती है, अगर अल्लाह उमर को इस्लाम दे दें तो उसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत मिल जाए। ये कुव्वत के तलबगार थे और ये इस गमन में थे कि उमर है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने फैसला कर दिया और मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगी और इधर बोझ होने लगा। तो वलीद बिन मुगैरा ने एक कुरैश की जमात को बुलाया और जिसमें सिर्फ शुरफा थे, उनके शरीफ लोग जिनको वो शरीफ समझते थे, वो सिर्फ शुरफा को बुलाया, हर कसो नाकस को नहीं। ये मीटिंग मखसूस लोगों की, उसमें सिर्फ मखसूस लोग ही आ सकते हैं। शुरफा को बुलाया और वलीद बिन मुगैरा कहता है उमर इस्लाम में दाखिल हो गया है और उमर का इस्लाम लाना उनकी ताकत है, मुसलमानों की ताकत है। ना कहते थे कि वो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द आए हैं, अब वो बैतुल्लाह में भी आएंगे, इसलिए कुछ करो। अभी तो ये मजलिस चल रही है और पैगाम मिला और काबतुल्लाह में मोहम्मद दाखिल हो गए हैं और काबतुल्ला में उमर खड़ा है और दरवाजे पर खड़ा होकर उमर तलवार लहराए हुए हैं और कहता है या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़िए, पहरा उमर दे दो। और बैतुल्ला में पहली नमाज, आज तक बैतुल्ला में नमाज नहीं हुई थी, घरों में चुपके चुपके हो रही थी। उमर कहता है या रसूल अल्लाह बैतुल्ला में नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया उमर तेरी कौम को पसंद नहीं है। उमर ने कहा चलिए ना, आज उमर तुम्हारे साथ है, एक तरफ उमर है एक तरफ हमजा है। और फरमाया रसूलल्लाह चलिए चलिए, आप काबतुल्लाह के अंदर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर नियत बांध दीजिए, नमाज शुरू कर दीजिए। जिसको अपनी बीवी को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो और उसके ऊपर उसकी मार है, उसको अपना घर उजाड़ना हो, वो आज आ जाए और खत्ताब के बेटे उमर से मुकाबला करे। आ जाइए आप नमाज पढ़िए और बैतुल्लाह पर उमर खड़ा होगा तलवार लेकर और आपकी निगरानी करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों दिल में एक खुशी का अंबार उठा, आज उमर की वजह से अल्लाह बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का मौका दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, इधर ये वलीद बिन मुगैरा ये प्लान बना रहा है और कह रहा है बैतुल्लाह तक आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे नहीं, आ गए हैं। वलीद बिन मुगैरा कहता है चलो जल्दी से अबू तालिब के पास, और अबू तालिब के पास जाकर हम कुछ फैसले की बात करें। और वो आए अबू तालिब के पास और अबू तालिब के पास आकर फिर वो तारीफी कलीमात, और तारीफी कलीमात कहने के बाद कहा क्या आपको मालूम है कि इन नादान नौजवानों ने क्या क्या किया है। यहां जुमला ये है, इन नादान नौजवानों ने क्या क्या किया है। आज हम तुम्हारे पास इसलिए हैं कि हमारे और तुम्हारे भतीजे के दरमियान आप कोई मुनसिफाना राह निकालें, कोई मातबिल राह निकालें, बहुत हो गया है। काबतुल्लाह तक आ गए, काबतुल्लाह के अंदर तक आ गए हैं, उमर भी इस्लाम में दाखिल हो गया है, उमर जैसा जवान भी, उमर जैसा पहलवान भी, उमर जैसा सुजा भी तेरे भतीजे की बातों में आ गया है, इसलिए अब कुछ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के सामने ये लोग ये अपील रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने अल्लाह के रसूल को बुलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब आए और चचा के सामने खड़े हुए, चचा से कहा ये कौम के शरीफ लोग हैं। अबू तालिब ने कहा भतीजे ये कौम के शरीफ लोग हैं और ये शरीफ लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वही कि उनके माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो, वो तुम्हारे माबूद को बुरा भला कहना छोड़ दें।
अल्लाह के रसूल सासन ने फरमाया, मैं कहां उनके माबूदों को बुरा भला कहता हूं, मैं तो उनको वही कहता हूं, मैं आज भी यही कहता हूं, अगर वो मेरी बात को मान लें तो मैं उनके इस बात के मान लेने पर ये गारंटी लेता हूं कि पूरे अरब अजम के वो मालिक बन जाएंगे। उस पर ये लोग कहने लगे, बोल क्या बात कहता है, तो वही बात जो उमर ने अपनाई है, वही बात जो औरों ने अपनाई है, वही बात जिन जवानों के अपनाने पर उनको आप बेवकूफ कहते हो, वो बेवकूफ नहीं है, वो अकलमंद है, उन्होंने अपने अकल से काम लिया और इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया है, तुम भी कर लो। तो वो लोग अजअल आलिहत इलाह वाहिदा इन हादा लशयउन उजाब कहकर وانطلق الملأ منهم ان انشوا واصبروا على آلهتكم کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہو کر کہنے لگے چلو یہاں سے, یہ تو ایسی بات کرتا ہے کہ سارے معبودوں کو ایک بنا دیا, یہ عجیب اور تعجب خیز بات کرتا ہے, اٹھو یہاں سے, انمشو چلو یہاں سے, وسویرو علا آلی حتکم اپنے معبودوں پر صبر کرو, اپنے معبودوں پر جمع رہو۔ اس کے بعد کی آگے کی باتیں اللہ نے جو بیان فرمائی ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے, دعا کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله, بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله, اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, يا أرحم الراحمين ارحمنا, ويا أكرم الأكرمين أكرمنا, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ قصوروں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ گزری ہوئی زندگیوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے, اے اللہ نصف ہونے کو ہیں, اے اللہ رحمت کا عشرہ دیکھتے دیکھتے نصف ہونے کو ہیں, اے اللہ آپ چوتھی افتاحی ہو جائے گی, اے اللہ ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے, اے اللہ رحمتوں کی چادر ہم پر تان دیجئے, اے اللہ راضی ہو جائیے, بہت گناہ کیے ہیں, اے اللہ ہمارے پاس گناہوں کے انبار ہیں, آپ کے پاس عفو درگزر کے خزانے ہیں, اے اللہ عفو درگزر کے خزانے اونڈیل دیجئے اور ہمارے سارے قصوروں کو بہا لے جائیے, اے اللہ مبارک مہینے میں اے اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دیجئے, اے اللہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے, اے اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اے اللہ اگر معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا, آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, اے اللہ آپ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اے اللہ ہم نکمے ہیں, اے اللہ ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بھی بے ادب بیٹھ کر اٹھاتے ہیں, اے اللہ ہم تو ادب سے بیٹھتے بھی نہیں ہیں, اے اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف کر دیجئے, اے اللہ راضی ہو جائیے, ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے, صوم و صلات کے پابند بنا دیجئے, اے اللہ رمضان میں غیر رمضان میں نمازوں کا اہتمام دے دیجئے, اے اللہ جیسے آج مسجدیں بھری ہوئی ہے, اے اللہ ہمیشہ اے اللہ نمازیوں سے مسجدیں بھر دیجئے, ہدایت دے دیجئے, اے اللہ پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہمیں مسجدوں میں لا دیجئے, نمازوں کا اہتمام دے دیجئے, اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے, اے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے, حالات کو سازگار بنا دیجئے, اے اللہ دنیا کے جس چپے میں بھی ایمان والے رہتے ہو جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی اعمال کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, اے اللہ راضی ہو کر یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے, یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی وہ ساری عطا فرمائیے, جن شو و فتن آفت و بلاؤ عذابوں سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرمائیے, دعاؤں کو اپنے فضل